आप अपनी तैयारी को नियमित बनाए रख रहे होंगे। कल जो हमने डीसी थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, लाइव क्लास भी थी रात को 9 बजे, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक भी हमने स्टार्ट किया था। ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक में बेसिक जानकारी हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा सा आगे चलते हैं, पॉइंट रहेगा ट्रांसफॉर्मर की संरचना एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल के संबंधित। तो ट्रांसफॉर्मर की संरचना की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भागों में सबसे पहला जो भाग आता है वो कोर आता है। सबसे पहला भाग ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या आता है? कोर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मर का वो है कोर। और जब मैं इस कोर की बात करूं तो कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कोर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफॉर्मर का कोर बना होता है। क्यों बना होता है? शैत्तिल्य हानियों को कम करने के लिए। कौन सी हानियों को? शैत्तिल्य हानियों को कम करने के लिए। शैत्तिल्य हानियों को कम करने के लिए ये कोर किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। ध्यान रखिए, अगर कोर पर सिलिकॉन स्टील का लेपन किया जाए तो वह भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए करते हैं। बनाते किस लिए? शैत्तिल्य हानियों को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ये भी ध्यान रखिए, उच्च आवर्ती वाले ट्रांसफॉर्मर का कोर फेराइट का बना होता है। उच्च आवर्ती की जो ट्रांसफॉर्मर है उनका कोर किसका बना होता है? फेराइट का बना होता है, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 2 से 5% तक रखी जाती है। सिलिकॉन की मात्रा 2 से 5% तक रख सकते हैं हम लोग। और उच्च आवर्ती के जो कोर ट्रांसफॉर्मर होंगे उनका कोर किसका बना होगा? फेराइट का बना होगा। और जब मैं फेराइट की बात करूं तो यह लघु लोह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, फेरी मैग्नेटिक है। लोह चुंबकीय नहीं है, उसे कम चुंबकीय गुण वाला है। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ फेराइट का बना होता है उच्च आवर्ती के ट्रांसफॉर्मर का कोर। तो यहाँ सबसे पहली जो पॉइंट है, इंपोर्टेंट भागों में कोर जो है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 2 से 5% होती है और शैत्तिल्य हानियों को कम करने के लिए इसको सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है, उच्च आवर्ती के ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो किसका बना होता है? फेराइट का बना होता है, जो कि लघु लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ विशेष पॉइंट आपको और ध्यान में रखने हैं, और वो ये है कि शक्ति बढ़ने पर या क्षमता उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के कोर का आकार बड़ा होता है। उच्च क्षमता के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके कोर का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और निम्न क्षमता के होंगे तो आकार क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। मतलब क्षमता बढ़ाने पर आकार बढ़ता है। इसको आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ाने पर आकार
बढ़ता है। उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने पे आगे बढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये और ध्यान रखिए आपने, आवर्ती बढ़ाने पर आकार छोटा होता है। ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने पर आकार बढ़ता है, कोर का आकार बढ़ेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर की आवृत्ति बढ़ाने पर कोर का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहला जो भाग है ट्रांसफॉर्मर का कोर ढांचा है आपके पास, ये जिसमें वाइंडिंग लपेटी भी होगी, और ये किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होगा, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 2-5% है, और इसको सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं ताकि सेफ्टी की हानियां कम हो जाए। उच्च आवर्ती के ट्रांसफॉर्मर का कोर किसका बना होता है, फेराइट का बना होता है, और फेराइट लघु लोह चुंबक के पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। लघु लोह चुंबक के पदार्थ का मतलब है जो लोह चुंबक के पदार्थ है उनसे कुछ कम क्षमता वाला। उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के कोर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और ट्रांसफॉर्मर क्षमता बढ़ने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन आवर्ती बढ़ने पर आकार क्या हो जाता है, छोटा। तो ये तो बात थी किसकी, ट्रांसफॉर्मर के कोर की। अब इस कोर के जो आपका ट्रांसफॉर्मर का कोर है, इस कोर के दोनों तरफ दो वाइंडिंग लपेटी भी होगी, इस प्रकार से वाइंडिंग लपेटी भी होगी, ये वाइंडिंग्स है, ठीक है। और जिस वाइंडिंग को स्रोत से जोड़ते हैं, जिस वाइंडिंग को किससे जोड़ते हैं, स्रोत से जोड़ा जाता है, सोर्स से जोड़ा जाता है, इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को स्रोत से जोड़ा जाता है उस वाइंडिंग को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक कुंडली, और जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है, ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी वाइंडिंग। एक बार वापस सुन लीजिए, कोर के बारे में आपने देखा कि कोर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है, उच्च आवर्ती के ट्रांसफॉर्मर का कोर फेराइट का बना होगा, क्षमता बढ़ाने पर कोर का आकार बढ़ता है, लेकिन आवर्ती बढ़ाने पर कोर का आकार घटता है। अब बात की हमने दी, तो हमने कोर की बात की, मैंने उधर नोट किया है, इसके बाद में कोर के बारे में बात कर रहा हूं किसकी, वाइंडिंग की। तो वाइंडिंग आपके पास सामान्य स्थिति में तांबे की वाइंडिंग होगी, ठीक है। तो तांबे की जो वाइंडिंग है, दोनों तरफ दो वाइंडिंग लपेटी हुई है, जिनमें जिस वाइंडिंग को स्रोत से जोड़ते हैं उस वाइंडिंग को कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ते हैं, प्राथमिक कुंडली कौन सी होती है, जिसे स्रोत से जोड़ा जाता है, स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसे स्रोत से जोड़ा जाता है प्राथमिक कुंडली, और द्वितीय कुंडली क्या होती है, जिसे लोड से जोड़ा जाता है, जिसे लोड से जोड़ा जाता है वो कौन सी कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है, जिसे स्रोत से जोड़ते हैं प्राथमिक, जिसे लोड से जोड़ते हैं द्वितीय। अब इन प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये कोर है, कोर की मैं डिटेल बता देता हूं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है इनमें से एक वाइंडिंग होगी ज्यादा वोल्टेज वाली, एक वाइंडिंग होगी कम वोल्टेज वाली। ध्यान रखें, प्राथमिक कुंडली स्रोत से जोड़ेंगे, द्वितीय कुंडली लोड से जोड़ेंगे। इन प्राथमिक और द्वितीयक में से ही इस वाइंडिंग को हम दो भागों में और बांट सकते हैं, इस वाइंडिंग को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो वाइंडिंग है ये इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं हम लोग इसे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और दूसरा नाम दे सकते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग,
हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि प्राथमिक कुंडली हाई वोल्टेज हो, द्वितीयक भी हाई वोल्टेज हो सकती है, जरूरी नहीं है प्राथमिक लो वोल्टेज हो, द्वितीयक भी लो वोल्टेज हो सकती है, तो वाइंडिंग को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में भी विभाजित किया जा सकता है। अब हाई वोल्टेज की बात करें तो इसका जो विभव है वो क्या होता है, उच्च, नाम से समझ में आ रहा है विभव क्या रहेगा, उच्च। लो वोल्टेज की बात करें तो इसका जो विभव है वो क्या रहेगा, निम्न। हाई वोल्टेज का विभव नाम से समझ में आ रहा है उच्च, लो वोल्टेज का विभव निम्न। और ध्यान रखिए जो जो वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग का विभव ज्यादा होता है, उच्च होता है, उसकी प्रवाहित धारा क्या होगी, धारा निम्न होगी। और जिस वाइंडिंग का वोल्टेज निम्न होगा उसकी धारा क्या होगी, धारा उच्च होगी। ठीक है, अब देखो धारा अगर कम है तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा कह सकते हैं, कम धारा के लिए तार क्या चाहिए, पतला या मोटा, पतला तार चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं पतले तार एवं अधिक फेरों वाली और इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं मोटे तार एवं कम फेरों वाली। एक बार वापस देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो वाइंडिंग है, क्वाइल है, ये दो प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीयक। जिस वाइंडिंग को स्रोत से जोड़ते हैं वह प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है, और जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ते हैं वह द्वितीयक वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, वाइंडिंग को दो भागों में और विभाजित कर सकते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज कौन सी, जिसका वोल्टेज ज्यादा हो, विभव उच्च, और लो वोल्टेज कौन सी, जिसका वोल्टेज कम हो, विभव क्या हो, निम्न हो, वो क्या होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें धारा निम्न होगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग में धारा क्या होगी, उच्च होगी। हाई वोल्टेज वाइंडिंग पतले तार एवं अधिक फेरो वाली होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग मोटे तार एवं कम फेरो वाली होती है। तो ये दूसरा जो पॉइंट हमारा इसका हो गया वाइंडिंग से संबंधित। और वाइंडिंग जो होती है इसके लिए कुछ चीजें और हमें ध्यान में रखनी है, एक बार इसको उठा देता हूं मैं। वाइंडिंग के लिए हमेशा जो वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, निम्न, और प्रतिघात क्या होना चाहिए, उच्च। मैं यहां कह सकता हूं यहां पर ट्रांसफॉर्मर के लिए जो वाइंडिंग का प्रतिरोध है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है ये क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। और जो वाइंडिंग का जो प्रतिघात है एक्सपी ये अधिक से अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध कम से कम हो, प्रतिघात क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए एक ट्रांसफॉर्मर के लिए, अच्छे ट्रांसफॉर्मर के लिए। इसके अलावा कुछ चीजें और ध्यान में रखें, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होना चाहिए, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफॉर्मर है तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कुछ विशेष चीजें ध्यान रखें। एक तो सबसे पहले जो पॉइंट है उसकी जो दक्षता है वो कितने प्रतिशत होती है, 100%। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है, दक्षता कितने परसेंट रहेगी, 100%। दूसरा जो पॉइंट है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर में जो हानियां हैं वो हानियां क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। दक्षता 100% है तो हानियां कितनी होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक एवं हानियां शून्य है तो प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध भी कितना होना चाहिए, 0 ओम होना चाहिए। और आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का जो प्रतिघात है ये उच्च और कितना उच्च होना चाहिए, लगभग अनंत ओम। प्रतिघात कितना होना चाहिए, अनंत ओम होना चाहिए। तो एक चीज वापस देखिए, आदर्श ट्रांसफॉर्मर जो होता है ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई कमी नहीं हो, मतलब दक्षता कितनी हो, 100%, होने वाली हानियां कितनी हो, 0,
प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 ओम। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध प्रतिघात कितना होना चाहिए? अनंत ओम होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो वाइंडिंग के बारे में ये कुछ फैक्ट आपको और पता होना चाहिए। अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए प्रतिरोध कितना निम्न, प्रतिघात कितना उच्च, ठीक है। अब इसके बाद ये तो बात थी ट्रांसफार्मर की संरचना की कि ट्रांसफार्मर होता कैसा है। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर के जो भाग है, मैं जब आपको तेल द्वारा स्थित ट्रांसफार्मर समझाऊंगा तो उसमें एक एक भाग के भागों के बारे में डिटेल से भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य भाग है, दो मुख्य भाग अपने पास है, कोर और वाइंडिंग, इनके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि जब ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़े तो क्या होगा, क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट है, ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़ने पर ट्रांसफॉर्मर को डीसी से जोड़ने पर, देखो ट्रांसफॉर्मर को डीसी से जोड़ने पर क्या होगा। मान लीजिए आपने इस वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ा, प्लस माइनस वी वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा। जब आपने ट्रांसफॉर्मर को डीसी से जोड़ा तो वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो तो वैसे ही निम्न था, लगभग शून्य। जो प्रतिघात है वो क्या होता है? ओमेगा एल टू पाई एफ एल। एफ कितना है डीसी के लिए? जीरो। आवृत्ति कितनी होती है? जीरो होती है, यानी कि जीरो। यहां पर प्रतिघात नहीं होगा, यहां पर प्रतिरोध नहीं होगा, और यहां पर बेक ईएमएफ भी नहीं होगा क्योंकि डीसी है। ईएमएफ केवल एसी में होता है, डीसी में होता ही नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल डीसी में होता ही नहीं है, केवल एसी में होता है। और हम ऐसा कह रहे हैं आवर्ती जीरो होने के कारण ईपी, जिसको कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये कितना हो जाएगा? जीरो। देखो प्रतिरोध निम्न, प्रतिघात शून्य और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी शून्य। तीन चीजें जीरो हो गई, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, लगभग शून्य है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस कारण प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा अत्यधिक होगी, जिससे प्राथमिक कुंडली गर्म होकर जल जाएगी। प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा होने के कारण ये जो प्राथमिक कुंडली है ये क्या होगी? गर्म होकर जल जाएगी। साथ साथ ये देखिए कि जब प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल जीरो, प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली का भी कितना रहेगा? जीरो, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं द्वितीय कुंडली पर कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा।
ठीक है, एक बार वापस समझिए पूरे चीजों को। जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली को डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो आपको पता ही है कि प्राथमिक कुंडली जो है ये निम्न प्रतिरोध वाली होगी, प्रतिरोध निम्न है लेकिन डीसी की आवृत्ति शून्य होने के कारण प्रतिघात भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और आवृत्ति जीरो होने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी शून्य हो जाएगा। जब आपके पास प्रतिरोध निम्न है, प्रतिघात शून्य है, प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य है, इस कारण से प्राथमिक कुंडली में अत्यधिक धारा का प्रवाह होगा और प्रवाह होकर प्राथमिक कुंडली गर्म होकर क्या होगी, जल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए द्वितीय कुंडली में किसी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, नहीं प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा लेकिन गर्म होकर जल जाएगी। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर की संरचना और ट्रांसफॉर्मर को डीसी से जोड़ने पर क्या होगा, वो पॉइंट कंप्लीट हुआ। अगली जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।